और ये खबर खंडवा से, जहां फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया। दरअसल फिलिस्तीनी झंडा लहराने वालों पर मोगट रोड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि चार लोगों पर यह केस दर्ज हुआ है। मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया था, बजरंग दल ने इस पर शिकायत की थी। ये दो तस्वीरें, एक तो कार्रवाई की और दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए मुहर्रम के मौके पर कुछ लोग नजर आए। हालांकि इन चार लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और केस दर्ज किया गया है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान लोगों द्वारा लहराया गया और जिसके कारण आसपास काफ़ी आक्रोश की भी और स्थिति हुई और खंडवा शहर में कहीं ना कहीं उसको लेकर सांप्रदायिक सौहार्द की भी स्थिति बिगड़ने की पूरा अंदेशा था। इसी को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की और जांच के बाद ये तथ्य आया है कि चार युवक थे जो इन्होंने एक राय होके इस तरह का कृत्य किया था, जिस पर से थाना मोगट में धारा 196(1) और 2 के भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने रायपुर के स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट पेश की। दरअसल कोल केस में ईओडब्ल्यू ने 6000 से ज्यादा पन्नों की चालान पेश किया है। आरोपी मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह पारेख कुमार कुर्रे और राहुल कुमार सिंह मोंटू उर्फ वीरेंद्र कुमार जायसवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी और समीर बिश्नोई की भी कोर्ट में पेशी हुई। वहीं महादेव सट्टा ऐप मामले में ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में 10,000 से ज्यादा पन्नों का चालान पेश किया। आरोपी सतीश चंद्राकर, अर्जुन सिंह यादव, भीम सिंह यादव, चंद्रभूषण वर्मा, सुनील दम्मानी समेत 10 आरोपी भी कोर्ट में पेश किए गए। किया है कि सब पदवी चलन नहीं ले जा सकते। अब माननीय न्यायालय जो आदेश करता है वो भी वही आदेश होगा, पता चलेगा। अभी तक आदेश हुआ नहीं है, मगर हमने आपत्ति की है वहाँ पे कि पदवी चलन नहीं ले जा सकते। उसकी कॉपी अभी को मिली चाहिए, वो प्रक्रिया धनबाद को मिली। उन्होंने अपनी चार्जशीट कंप्लीट करके पेश कर दी है, जो जो अभी अरेस्ट में रिसेंटली उनके अगेंस्ट कार्रवाई जा रही है। अभी हमको सब कुछ बुधवार को होगा, कितने पन्नों का चालान है, क्या सबूत है, न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए हैं, अभी अभियुक्त को उसकी कॉपी नहीं। तो वही भोपाल में आज बीजेपी आरएसएस की समन्वय बैठक होगी, जिसमें कि संघ संगठन और सरकार के प्रमुख नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ये बैठक लेंगे। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संघ के मध्य क्षेत्र प्रचारक स्वप्निल कुलकर्णी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा यहाँ मौजूद रहेंगे। जबलपुर से लौटकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर चर्चा होगी, सरकार के कामकाज को लेकर भी रणनीति बनेगी। और मध्य प्रदेश में जयस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल महेंद्र कन्नौज अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जयस के संस्थापक नेता है महेंद्र कन्नौज और जयस के कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे, वीडी शर्मा भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे। अपनी एक अलग पहचान बना करके लगातार निस्वार्थ भाव से काम करने वाले व्यक्ति के नाते आपकी पहचान है और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात भी है कि आप ठीक समय पे ठीक निर्णय लेकर के आपने अपनी भूमिका तय की है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे इस बात की खुशी है, मैं एक सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। हम लोग आंदोलनकारी है, लेकिन हमेशा आंदोलन से कोई चीज नहीं होती, संवाद की भी आवश्यकता होती है। तो संवाद के रूप में मैं यहाँ पर सत्ता और संगठन से संवाद स्थापित करने हेतु आदिवासी क्षेत्रों में हम किस प्रकार से हमारे समाज का भला कर सके, गरीब तबके का भला कर सके, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कर सकते, इसलिए संवाद स्थापित करने के लिए मैंने यह निर्णय लिया।
तो वहीं देवास में बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल सांसद ने इस विषय में पुलिस को शिकायत दी और सांसद का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से किसी ने फोन किया और अपशब्द बोलने के बाद जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और साथ